हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। झारखंडी राइडर के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और दोस्तों, अभी हमारे इस देश में एक ऐसी आपदा आ पड़ी है जिसे हम लोग कोरोना वायरस COVID-19 के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, इस वायरस से क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग एक हमारे जो एक भैया है चंद्रशेखर भैया, उनसे हम लोग जानते हैं। वो एक्चुअली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रिसर्च स्कॉलर है। सो हम लोग उनसे एक बार जानते हैं ये कोरोना वायरस के बारे में और इसके लिए क्या है सब चीज़। ये अभी आपको एक बार में डिटेल्स में बताएंगे सर। दोस्तों, अभी मैं कैमरा बोलता हूँ चंद्र भैया के साथ, पास में मुड़े चंद्र भैया। धन्यवाद धन्यवाद हितेश, हितेश नाम है ना जी आपका। जी जी सो धन्यवाद झारखंड राइडर और इनके जो चलाते हैं यूट्यूब में, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरायकेला में जागरूकता फैला रहे हैं, हाँ सरायकेला के साथ साथ देश विदेश में भी इसको जान देंगे जो हिंदी भाषी लोग हैं, जी और हम लोग इसको हिंदी में मना रहे हैं हाँ ताकि लोग समझ सके। ठीक नहीं बिल्कुल है, तो बात ये कि अभी जो आपदा आ पड़ी है ये बहुत ही भयंकर है और ये सर्वव्यापी आपदा है, हर देश में फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये हमें जानना चाहिए कि हमको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और इससे हमें कैसे बचाव करना है ताकि हम इस वायरस को और इस आपदा को अपने घर से दूर रखें और अपने अपने में और अपने परिवार में ना ले सकें। तो दोस्तों, इसको बारे में मैं कुछ हल्का सा बता देना चाहता हूँ, ये है क्या। ये एक वायरस है, वायरस तो आप जानते ही हैं, और ये टीवी में, चैनल्स में, रेडियो में हर जगह दे दिए जा रहे हैं, और इसके बारे में ज्यादा बताना मूर्खता होगी। हाँ, तो हम ये आपको नहीं बता रहे हैं कि आप मतलब कुछ नया चीज नहीं बता रहे हैं, हम पुराने चीज ही बताएंगे, जी लेकिन हम बताएंगे कि है क्या, हाँ कहाँ से आया हाँ और ये कैसे फैल रहा है। ठीक है, और हम किस तरह से जा रहे हैं अगर हम इसका उपचार अभी नहीं किए और इसका मतलब प्रिकॉशंस अभी नहीं लिए, तो हम निश्चित रूप से ऐसे जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से हम लोग और वापस नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल तो ये बेसिकली वायरस है जिसको हम लोग बोलते हैं COVID-19 अच्छा और SARS-2 सभी से जाना जाता है। SARS मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। पहली बार ये चाइना में हुआ था 2003 में शायद। ठीक है, ये हुआ था और चाइना में बहुत लोग उसमें मारे गए थे, इसको सार्स भी बोलते हैं इसीलिए। और सार्स के बाद मिडिल ईस्ट में भी हुआ था 2009 में, एक दशक के बाद। जब 2009 में हुआ था तो इसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से जाना गया, मार्स बोला गया। और ये वही वायरस है जो फिर से पुनः आ गया है, और ये चाइना से शुरू हुआ, वुहान सिटी में शुरू हुआ। इसका जो उत्पत्ति का कारण हमें मालूम नहीं है, कहाँ से हुआ कैसे हुआ, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे सार्स का हुआ था उसी तरह से ही ये भी हुआ है। कुछ रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि ये चमगादड़ से हुआ है, चंगा चमगादड़ से, और चमगादड़ से होते हुए ये बाकी पशुओं में आए, जैसे कि सांप हो गया, और ये सबसे इंसान में आ गए क्योंकि सांप को भी खाया जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, ये हम क्या खाए ना खाए ये इंडियन हमारे ऊपर मेंटेलिटी डिपेंड पे नहीं करता होती है, इंटरनल मेंटेलिटी पे जी डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका साइज बहुत ही छोटा होता हाँ है, 65 to 125 नैनोमीटर के आसपास का होता है। अच्छा इसीलिए हमेशा अच्छा मास्क पहना कीजिए जिसका छेदा बहुत ही छोटे हो और इस वायरस को रोक सके। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मास्क बाजार से उठा लिए और भी पहन लिए, इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। और मास्क ऐसा पहनिए कि जैसे कि आपका नाक मुंह कान, सो नाक कान तो नहीं ढकेगा, नाक मुंह जो आप आपका जो टी एरिया है वो ढक जाए। हाँ और साथ में ये बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी जो है इंडिया स्टेज, इंडिया सेकंड स्टेज में है। सेकंड स्टेज का मतलब क्या हुआ कि इसके वैज्ञानिक लोग इसका कुछ स्टेजेस में बांध दिए हैं। पहला स्टेज है जैसे कि बाहर, जैसे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं इंडिया में उन लोग वायरस को लेके आ रहे हैं, वो पहला स्टेज है, उसको बोलते हैं इंपोर्टेड वायरसेस। ठीक है, इम्पोर्टेड इंपोर्टेड जो इम्पोर्ट मतलब होकर आ बाहर रहा से आ है, रहा है बाहर से आ रहा है। ठीक हाँ है, एग्जैक्टली
अब सेकंड स्टेज में क्या होता है हाँ कि ये जो इम्पोर्टेड वायरस है हाँ अपने जन परिजन में फैलता है, भाई बंधु दोस्ती यारी में फैल जाता है, हाँ लेकिन वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता है, वो सेकंड स्टेज में होता है। अभी जो चल रहा है वही स्टेज हमारा चल रहा है, सेकेंड स्टेज सेकंड स्टेज में हम लोग। अब जो तीसरा स्टेज आने वाला है, थर्ड स्टेज, मतलब एक कम्युनिटी, टोला, मोहल्ला, इसमें फैल जाएगा। इसमें अगर फैल गया तो ये वायरस हर जगह पाया जाएगा, रेलवे स्टेशन से लेके पानी में, नदी में, नाले में, इवन हर दुकान में, रेस्टोरेंट में जहाँ खाएंगे, आपको क्या पता वहां भी हो सकता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसीलिए इसके बारे में बताना मैं समझा कि जरूरी है। आप समझ रहे हैं क्या हो पाएगा, क्योंकि आप कहीं भी जाते देखिए हैं, ठीक है, दोस्तों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कुछ पकड़ते हैं चीजों को, ठीक है, घर में जाते हैं, हर जगह पे अगर वायरस आ गया तो जीना मुश्किल मुश्किल हो है। जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें इस स्टेज में ही इसको रोक देना है और खत्म करना है। अगर हम थर्ड स्टेज में जाना नहीं चाहते हैं तो हमको अभी जो प्रिकॉशन है उसको लेने पड़ेंगे, इसको अनिवार्य है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि ये वायरस का रेट कितना है, किस गति से आगे बढ़ रहा है। रेट बोले तो रेट जरा बोले तो मतलब पहला वीक में कितना गई, सेकंड वीक अच्छा में कितना हुआ, ठीक है, मतलब वो किस, क्वांटिटी किस हाँ, हिसाब से बढ़ क्वांटिटी रहा से है। बढ़ रहा है। हाँ किस हिसाब से अगर बढ़ रहा है। आप देखेंगे कोई भी हाँ देश में, चाहे हाँ इटली हो, जर्मनी हो, जो स्पेन हो, ईरान हो, या चाइना, ठीक है, जो कि भुक्तभोगी हैं वो लोग, उन लोग पहला सप्ताह में बस 3-4 ही हुए थे, लेकिन दूसरा सप्ताह में 100 के पास पहुंच गए, और तीसरे चौथे सप्ताह में 1,000 में पहुंच गए, ठीक हाँ है, देखते 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 देखते, ठीक है। और हमारा जो इंडिया में यही चल रहा है ट्रेंड, हमारे इंडिया में स्लो स्लोली चल रहा है, चाइना इटली के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी कम नहीं है। हमारा फिलहाल इंडिया में 287 लोग केस पाएगा केस पाए गए हैं, उनमें से 4 का मृत्यु भी हो चुकी है, डेथ हो चुकी है 4 का। और हम देखें वर्ल्ड में करीबन 11,800 के आसपास, या इवन टेल 11,800 और 900 करीबन लोग मर चुके हैं, और ये 4% लोग हैं जो मर चुके हैं, जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो लोग संक्रमित हुए थे, 4% का खत्म हो गए अभी तक, और 4% कोई कम नहीं है, 4% लोग ठीक खत्म है। मतलब और ये 4% मर गए हैं, हाँ और कितने लोग बीमार पड़े हैं कोई मतलब काउंट गारंटी नहीं है, नहीं गारंटी है अभी। नहीं है। हाँ इसीलिए हम आप सबको अनुरोध करते हैं कि जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने बताए हैं, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दिए हैं, ठीक है, उसको पालिए, मानिए, उसको उसको फॉलो करें। फॉलो कीजिए। इसमें हाँ सिर्फ आपका भलाई नहीं है, ये सबका भलाई है, आपके दोस्त का भलाई है, परिजनों का भलाई है, आपके घर परिवार का भलाई है। अगर इसको आप नहीं मानेंगे, ठीक है, तो इंडिया में थर्ड स्टेज में हम लोग पहुंच जाएंगे, और इस एक बार थर्ड में पहुंच गए तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया और मोहल्ला में चला गया तो देश में पूरा बर्बाद हो जाएगा, और देश में फैल जाएगा, तब हम उसको रोक नहीं पाएंगे। इटली में अभी यह अवस्था है कि वहां पे 80% लोग संक्रमित हो चुके हैं, 80%, 80% 80%, और बहुत वहां पे ज्यादा। लोगों को सांस लेने में जिसका हुआ है इतना दिक्कत हो रहा है कि ऑक्सीजन लेके बैठे हैं, फिर भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, और हमारे पास इतना सुविधा है नहीं, इंडिया में इतना ज्यादा फैसिलिटीज है नहीं, इतना पॉपुलेशन है, दुनिया में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मानते हैं। सही होता है। अगर हम लोग इसको अभी नहीं रोके, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो यहाँ कितने लोग मरेंगे, ठीक है, ऐसा कोई अंदाजा है नहीं। और कभी भी अपना ट्रेवल हिस्ट्री, आपको कुछ लग रहा है, कुछ सिम्टम्स को नजर आ रहा है, छुपाइए मत, ये छुपाने का बात नहीं है। आप छुपाएंगे तो आप इलाज नहीं हो पाएगा, और इलाज आपका नहीं हो पाएगा तो आपके साथ साथ बहुत लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। और सेकंड राइडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि ये टॉपिक को लाए, ठीक है, और झारखंड राइडर जो कि घूमते फिरते लोग हैं, यहाँ वहां जाते हैं, वो हाँ खुद ही बोल रहे हैं आपको कि आप एक दिन 2 दिन के लिए हाँ
रुक जाइए, बैठ जाइए, घूमेगा फिरेगा नहीं। और उसके बाद ठीक है, जितना मन जहां मन घूमिए, एक बार हॉस्पिटल जाने हम दीजिए। लोग भी अभी पिछला 1.5 हफ्ता हो गया, समीर भी अभी बीच में जो तारनी मंदिर गए थे वो होली के टाइम गए थे, उसके बाद से अभी तक का कोई भी हमारा भी डाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने खुद बोल दिया है कि नहीं भैया अभी के लिए थोड़ा स्टे कर लेते हैं, फिर बाद में होता है तो अपना तो राइट बनते रहेगा। एकदम एकदम दैट्स व्हाई हम लोग क्या किए कि अभी थोड़ा दिन के लिए, जब तक ये इसका कुछ सॉल्यूशन या फिर इसका जो रोकथाम है वो नहीं बनता है, तब तक में हम लोग भी सोचा है कि अभी उतना राइड वगैरह नहीं करेंगे। और एक ये जो महामारी है कोई छोटा मोटा महामारी नहीं है, महामारी जिसको बोलते एपिडेमिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते एपिडेमिक, हाँ, इसको अभी बोल रहे हैं, नया नाम दे दिए पेंडेमिक। पेंडेमिक, हाँ हाँ, मतलब ये कि सर्वव्यापी महामारी, मतलब जो एपिडेमिक होता है कि एक देश में सीमित होता है, ये और हो गया कि पूरा वर्ल्ड में मतलब फैल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी करीबन 100 से ज्यादा अधिक देशों में हो चुका है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिल चुका होगा। ऐसे में भी आप लोगों को टीवी न्यूज वगैरह सब जगह पे अभी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है। दोस्तों इसका मजाक ना बनाए, पहली बात है कि इस चीज का मजाक ना बनाए, इसे थोड़ा सा सीरियस लेकर के बैठे। कल के डेट में हमारा जैसे 22 तारीख हो रहा है, और अभी हम लोगों का जो है जनता कर्फ्यू जो लगने वाला है, इसको थोड़ा सा फॉलो करें दोस्तों। और हमारे देश में बोला गया है कि जो 12 घंटे अगर घर पे रहते हैं तो ये वायरस मर जाता है। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने घर पे ही रहें, और संडे का दिन है यार, हम लोग तो खुद संडे को निकल जाते थे घूमने के लिए, अभी तो हम लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग भी फॉलो करें। और गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अभी ठीक ठाक से रहें, अच्छे से रहें, और बी सेफ और बी अवेयर कि आप लोग इस कोरोना वायरस को अपने से खत्म कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट ब्लॉग में अभी हम लोग के बने रहिए हैं, हम लोग को अभी बहुत टॉपिक है तो हम लोग वो भी शेयर करेंगे, और आप लोग के साथ में हमेशा से बने रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और झारखंडी राइडर के चैनल को एकदम से सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूले। और चंद्र भैया जो है बहुत ही दूर से आए हुए थे, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल करके आज तो, बहुत मतलब मेरा लगता है कि 1.5 से 2 साल हो गया ना भैया मिले हुए हाँ, आपसे, दो दो साल साल दो हो साल गया, 2 साल हो गया करीब, तो चंद्रू भैया भी रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल करके। दोस्तों चैनल के साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के हर एक वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, यही बोल करके हम अभी यहाँ पर रुकते हैं और चलते हैं अभी घर की ओर। मिलते हैं दोस्तों, चलिए।